11th क्लास बायोलॉजी। हमारा जो चैप्टर था वो था मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लीफ। क्या है? लीफ। लीफ क्या होता है? इट इज ग्रीन फ्लैट एक्सपेंडेड पार्ट, चौड़ा पार्ट होता है, ठीक है। प्रेजेंट ऑन द नोड ऑफ द स्टेम एंड इस ब्रांचेज। प्लांट का वो पार्ट जो ग्रीन होता है, फ्लैट होता है, एक्सपेंड होता है, और जो स्टेम की नोड पे या स्टेम की जो ब्रांचेज होती है उसकी नोड पे मौजूद होता है, उसे क्या बोलते हैं? लीफ। लीफ का फंक्शन क्या है? जो मेन फंक्शन है लीफ का वो दो फंक्शन है, फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस मतलब ऐसी प्रोसेस जिसके द्वारा ग्रीन प्लांट अपना क्या करते हैं, फूड मैन्युफैक्चर करते हैं। एंड सेकंड फंक्शन क्या है? ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन का मतलब क्या है? इवेपोरेशन ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। वाटर को क्या करना? एक्सपायर करना अपने पार्ट में से। प्लांट जो वाटर को क्या करता है? इवेपोरेट करता है, उसे क्या बोलते हैं? ट्रांसपायरेशन। और ट्रांसपायरेशन के कारण क्या होता है? कूलिंग इफेक्ट। यानी कि प्लांट अपने आप को हीट से क्या करता है? बचाता है। यह क्या है? फंक्शन। अब सबसे पहले हम करते हैं टाइप्स ऑफ लीफ। लीफ की काफी सारी टाइप्स होती है, उसके फंक्शन के हिसाब से, उसकी प्रजेस के हिसाब से, उसकी ओरिजिन के हिसाब से। सबसे पहले जो है वो आते हैं कॉटिलेडन लीव्स, इसको एम्ब्रियोनिक लीव्स बोला जाता है। अब किसी के पास एक कोटिलेडन होती है, किसी के पास दो, तो एम्ब्रियोनिक लीव के हिसाब से एंजियोस्पर्म को दो भागों में बांटा जाता है, डाइकोट और मोनोकोट। डाइकोट और मोनोकोट। सेकंड है कैटाफाइज, या फाइल्स वर्ड क्या होता है? लीव्स। कैटाफाइल्स का मतलब क्या होता है? स्केल लीव्स। और स्केल लीव फोटोसिंथेसिस में टेक पार्ट नहीं करते। सम टाइम स्टोर फूड, कई बार इनके अंदर क्या होता है? फूड स्टोर होता है। एग्जांपल अनियंस, प्याज के अंदर जो स्केल लीव्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है? फूड स्टोर होता है। तीसरे नंबर पे आते हैं प्रोफाइल्स, प्रोफाइल्स क्या होते हैं? फर्स्ट लीव्स।
किसी भी प्लांट के ऊपर जो सबसे पहले लीव्स बनते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? प्रोसोफाइल्स। इसके बाद है फ्लोरल लीव्स। फ्लोरल लीव्स, फ्लोरल लीव्स का मतलब यहां पे क्या है? जो प्लांट का अंदर फ्लावर होता है, फ्लावर के अंदर सेपल्स होती है, पेटल्स होती है, पेरियंथ होती है, वो क्या होते हैं? फ्लोरल लीव्स। क्योंकि फ्लावर को कॉम्पैक्ट फ्रूट ही बोला जाता है। सेपल्स, पेटल्स एंड पेरियंथ, ये सारे क्या है? फ्लोरल लीव्स में काउंट होते हैं। इसके बाद आता है स्पोरोफाइल्स। क्या आता है? स्पोरोफाइल। ट्रेडोफाइट में मैंने करवाया था, आपने वहां पे देखा हो ट्रेडोफाइट के अंदर, ऐसे लीव जिनके ऊपर स्पोरेंजिया होते हैं, सेकला स्ट्रक्चर जहां पे स्पोर बनती है, उन्हें क्या बोला जाता है? स्पोरोफाइल। हेलो, स्पोरेंजिया जिनके पास क्या होते हैं? स्पोरेंजिया, सेकला स्ट्रक्चर एंड प्रोड्यूस। और क्या प्रोड्यूस करते हैं? स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? स्पोरोफाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पोरोफाइल्स। इसके बाद है फोलिएज लीव। फोलिएज लीव जो होते हैं वो ट्रू लीव होते हैं। ये क्या होते हैं? ग्रीन लीव्स कैरिड आउट फोटोसिंथेसिस। जो क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। वो क्या होते हैं? फोलिएज लीव। क्या होते हैं? फोलिएज लीव्स। इसके बाद है स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर ऑफ लीव। स्ट्रक्चर ऑफ लीफ या पार्ट ऑफ लीफ। ये सिंपली मॉडल किसका है? लीफ का। लीफ का जो फर्स्ट पार्ट होता है फर्स्ट पोर्शन, क्या बोलते हैं इसको? लीफ बेस। क्या बोलते हैं? लीफ बेस। लीफ बेस को हाइपोपोडियम भी बोलते हैं। Also called hypopodium। क्या बोलते हैं? hypopodium। leaf base होता क्या है? It is the part of leaf by which लीव अटैच इटसेल्फ टू द स्टेम और इस
ब्रांचिंग। ये लीव का वो पार्ट है जिसके जरिए कोई भी लीव अपने आप को किसी भी स्टेम के ऊपर क्या करता है, अटैच करता है, उसे क्या बोलते हैं, लीव बेस। कई बार लीव बेस क्या होता है, स्वोलन होता है, फूला हुआ आता है, उसे क्या बोलते हैं, इज कॉल पुलविनस। क्या कहते हैं इसको, पुलविनस। स्वोलन लीव बेस को क्या बोलते हैं, पुलविनस। एग्जांपल इसका मिमोसा पीडी का छुई मुई का पौधा, ठीक है, मिमोसा के अंदर एंड बीन के अंदर क्या होता है, स्वोलन लीव बेस होता है। समटाइम कई बार क्या होता है, गर्मी होगी, स्मॉल अपेंडिक्स, स्मॉल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है ऑन द लीव बेस। उस स्मॉल अपेंडिक्स को क्या बोलते हैं, स्टिप्यूल्स। क्या बोलते हैं, स्टिप्यूल्स। और जिन लीव के पास स्टिप्यूल्स होता है उन्हें क्या बोलते हैं, स्टिपुलेट लीव्स। इसके बाद सेकंड जो पोर्शन है वो क्या है, पेटियोल। ये जो होती है ये क्या है, पेटियोल्स। पेटियोल्स क्या होता है, इट इज स्टाक लाइक स्ट्रक्चर, स्टाक लाइक विच ज्वाइन द लेमिना पार्ट। ये लेमिना पार्ट है, लीव्स विद लीव बेस। वो छड़ क्या करते का स्ट्रक्चर जो लीव बेस के साथ लेमिना को जोड़ता है उसे क्या बोलते हैं, पेटियोल, आल्सो कॉल्ड द मिजोपोडियम। पेटियोल को क्या बोलते हैं, मिजोपोडियम भी बोलते हैं, आल्सो कॉल्ड एज मिजो पोडियम। इसके बाद बचता है ये पोर्शन, इसे क्या बोलते हैं, जो थर्ड पोर्शन है इसको बोलते हैं लेमिना। क्या बोलते हैं, लेमिना या एपिपोडियम। आल्सो नोन एज एपिपोडियम। जो किसी भी लीव का जो मेन पार्ट है वो क्या होता है, लेमिना। ग्रीन एक्सपेंडेड जो फ्लैट पोर्शन होता है, जो क्या करता है,
फोटोसिंथेसिस, एंड ट्रांसपायरेशन, और ट्रांसपायरेशन भी यही करता है। यहां पे क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं। क्या होते हैं? स्टोमेटा। इट कंटेन स्टोमेटा, और स्टोमेटा ही क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपायरेशन करते हैं। इसके बाद करते हैं लिप्स की टाइप, किसके आधार पर, उसके कॉम्प्लेक्सनेस के हिसाब से, उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से। टाइप्स ऑफ लीव्स, सबसे पहला होता है सिंपल लीफ, सिंपल लीफ किसे कहते हैं, ऐसा लीव्स जिसमें लेमिना, लेमिना मतलब जो मेन पार्ट होता है, वो लीफलेट में डिवाइड नहीं होता, द लीफ इन विच लेमिना इज नॉट डिवाइडेड इंटू लीफलेट। लेमिना जो होता है वो लीफलेट में डिवाइड नहीं होता, यानी कि वो पत्ता एंटायर होता है। सो हम कह सकते हैं लेमिना इज एंटायरली प्रेजेंट, तो पूरा का पूरा लेमिना होता है, एंटायरली प्रेजेंट बट लेमिना कैन बी क्या होता है, इनसाइज्ड। साइज मतलब होता है अप टू मिड रिप। इस साइज का मतलब होता है लेमिना में कट लगा होता है, जिस तरह मान लिया ये पत्ता है, ये सिंपल लीफ है मान लिया, ठीक है, और ये इसकी क्या है, मिड रिप है, इसको क्या बोला जाता है, मिड रिप। ये सिंपल लीफ है। अब इसमें इस साइज हो सकता है, इस साइज मतलब इस तरह कट हो सकते हैं, ये इंसिजन है, ये क्या हो गया, इनसाइज, जो कट होते हैं ये कट हो सकते हैं बट अप टू मिड रिप तक नहीं होगा, यहां तक नहीं होंगे बिल्कुल भी, यानी कि ये इसको नोट अप टू, सॉरी नोट अप टू मिड रिप, लेकिन ये कट इतने ज्यादा नहीं होंगे कि लीफलेट में डिवाइड हो सके, और उसके कट यहां तक हो, हो सकता है ये कट यहां तक हो, ठीक है, हो सकता है ये कट यहीं तक हो सिर्फ, ठीक है। तो लेमिना जो होता है इनसाइज जरूर होता है, लेकिन वो लीफलेट के अंदर डिवाइड नहीं होता, उसे क्या बोलते हैं, सिंपल लीफ। इस दुनिया में सिंपलेस्ट लीफ कौन सा है, सिंपलेस्ट लीफ माना जाता है किसका, पीपल। जो पीपल का लीफ होता है वो क्या होता है, सिंपलेस्ट लीफ इन दिस वर्ल्ड। एग्जाम्पल इसके अलावा
मैंगो में, बनियान ट्री में, ये इसमें क्या होते हैं? सिंपल लीव्स होते हैं।